कोतवाली सुरीर में 19 मार्च को हुए मतदान के बाद 23 मई को होने वाली मतगणना को लेकर क्षेत्रीय लोगों को बुलाकर एक मीटिंग ली गई, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों को बुलाया गया और उसमें अपील की गई कि 23 मई को जो भी परिणाम आए सभी को उन परिणामों को मानकर शांति रखनी है, क्योंकि चुनाव में एक पक्ष ही जीतेगा और दूसरे पक्ष को हारना ही हारना है। इसलिए किसी भी हाल में किसी पार्टी या किसी नेता के खिलाफ किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ऐसा कहते हुए कोतवाली प्रभारी अनुप सरोज ने जानकारी देते हुए बताया, बसपा का समर्थक हुआ, कोई भाजपा का समर्थक हुआ, सब अपने अपने जिसकी जहां बैठती है उसका समर्थन करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। अब मतगणना होने के बाद एक प्रत्याशी जीतेगा और लोग हारेंगे, तो जीतने वाला प्रत्याशी जो है कमेंट पास करता है दूसरे को और फिर झगड़े की संभावना बन जाती है। आप लोगों से ये अपील है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हो, किसी के प्रति, किसी पार्टी के प्रति कोई भी कमेंट पास ना करे, हमारी पार्टी जीत गई, तूने क्या कर लिया, तूने मुझे वोट नहीं दिया था, तूने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया था, तूने क्या कर लिया। ये बातें बहुत छोटी होती हैं और घटना बड़ी करवा देती हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात कृपा करके ना करे। अगर चुनाव को लेकर कोई घटना घटित हुई तो उसमें जो भी अग्रेसिव पक्ष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। 154 से काम नहीं चलेगा।